मुरादाबाद के सुनियोजित विकास को लेकर मुरादाबाद की चाक चौबंद व्यवस्था में लगा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण अब मुरादाबाद में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर सख्त होता जा रहा है। मुरादाबाद में इन दिनों लगातार मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही जनमानस से यह अपील भी की जा रही है कि वे स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही भवन का निर्माण कराएं। आपको बताते चलें कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण इन दिनों महायोजना 2031 की तैयारियों में जुटा है। महायोजना 2031 के लिए मुरादाबाद की सभी सड़कों को चौड़ीकरण करने के साथ मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी बनाना और मुरादाबाद की रामगंगा नदी के पास तटबंध बनाना भी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की पहली प्राथमिकता में गिना जा रहा है। तटबंध के लिए प्राधिकरण द्वारा नगर निगम विभाग व उत्तर प्रदेश सेतु निगम के साझा सहयोग से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने की भी शुरुआत कर दी गई है। मुरादाबाद रामगंगा नदी के किनारे ऐसे लगभग 4000 मकानों को चिन्हित किया गया है जिनको अवैध निर्माण माना जा रहा है और इनके खिलाफ कार्यवाही करने का मन भी प्राधिकरण द्वारा बना लिया गया है। विगत दो दिनों में प्राधिकरण द्वारा संयुक्त अभियान में लगभग 200 के आसपास अवैध निर्माण को ध्वस्त भी कर दिया गया। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यालय पर मानचित्र की स्वीकृति के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है जिसमें मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के सभी अधिकारी मौजूद रहकर कैंप में आने वाले आवेदकों की समस्याओं को सुन रहे हैं और नक्शा पास करने की प्रक्रिया को भी पूरा कर रहे हैं। एक ही कक्ष के नीचे नक्शा पास कराने की प्रक्रिया विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मधुसूदन हुलगी के दिशा निर्देशन में की जा रही है। सिटी चैनल से बात करते हुए प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मधुसूदन हुलगी द्वारा बताया गया कि प्राधिकरण अब अवैध निर्माण को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। जो लोग मकान बनाना चाहते हैं वे प्राधिकरण आकर मानचित्र की स्वीकृति अवश्य करा ले, अन्यथा ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो प्राधिकरण के नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्यवाही भी की जा रही है और आगे भी की जाती रहेगी। अभियान इसलिए चलाया जा रहा है जहाँ पे लोगों ने मानचित्र पास नहीं कराया है और एग्रीकल्चर लैंड यूज में पेट्रोल बंक चलने लग गए हैं और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में कमर्शियल एक्टिविटी चल रहे हैं, ये सब नियम के विरुद्ध है। अब बहुत सारे लोगों से हम अनुरोध फिर से कर रहे हैं, अभी भी आप आगे बढ़कर अपने मानचित्र पास कराने के लिए फाइल पुट अप कराएंगे तो ऐसी सील की कार्रवाई नहीं होगी, ना कोई पेट्रोल पंप सील होगा। सर कितने पेट्रोल पंप सील किए हैं और जो हॉस्पिटल सील किए हैं उसमें क्या कमी है? अभी क्या कमी थी? बहुत सारे कमियां थी, जैसे कि मैप पास नहीं किया था पहला पॉइंट, दूसरा था एग्रीकल्चरल लैंड यूज़ में इन्होंने पेट्रोल पंप खोल दिया था तो वो जब तक बोर्ड से पास नहीं होता है तब तक वो वहाँ पे नहीं खोल सकते। उसके लिए भी हम कहना चाहेंगे कि हम इसमें स्वयं फाइल पुटअप करवा के पास करा सकते हैं, लेकिन अगर वो संबंधित पेट्रोल पंप के अधिकारी जो कर्मचारी जो भी हो, ओनर जो भी हो, वो फाइल पुटअप तो करें। फाइल अगर पुटअप हो जाता है एक बार तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। और आगे भी हम एक और बार अनुरोध करेंगे सारे पेट्रोल पंप से भी और जिसको हॉस्पिटल से उनसे एक और मौका हम देंगे। आने वाले हफ्ते में भी हम अभियान चलाने के लिए तैयार हैं। आप लोग आगे बढ़कर अपने फाइल पुटअप कराइए, कंपाउंडिंग कराइए, इम्पैक्ट फीस जमा कराइए या पेनल्टी भर दीजिए। एग्रीकल्चर लैंड यूज़ है, नॉर्मल लैंड यूज़ हो तो उसका मानचित्र पास कराइए, तब वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। आगे भी हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे अगर मानचित्र पास कराने के लिए या फाइल पुटअप हो जाता तो कोई कार्रवाई हम नहीं करेंगे। सर क्या ऐसे कोई स्पेसिफिकली चिन्हित नहीं किया गया है? हम जोन और फील्ड में भेजते रहते हैं लोगों को, लोग जेईस को वो चेक करते रहते हैं, जहाँ पे कमियाँ पाई जाती तुरंत वहाँ पे कार्रवाई की जाती है। किसी पे कोई ऐसा कोई नहीं है बायासनेस कि इसका करना है उसका करना है, ऐसा कुछ नहीं है। नियम सबके लिए एक ही है, सबके नियमानुसार ही काम होगा।